हेलो दोस्तों, अटैक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं क्लास ट्वेल्थ का वैक्टर लेकर के आया हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने वैक्टर के बारे में चर्चा किया था। इसको समझने के लिए आप पहले का वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है? पहले का वीडियो देख लीजिएगा ताकि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा आपको लगा। तो पहले भाग में मैंने वेक्टर के बारे में चर्चा किया था, उसके आगे अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बिहार बोर्ड में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन के बारे में मैंने चर्चा किया था उस पर आधारित एक एक क्वेश्चन के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, ताकि जो लोग नहीं देखे होंगे पहले का वीडियो, इससे पता चल जाएगा। एक मैंने बताया था, एग्जाम्पल लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया था, लेकिन यहाँ संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सदिश 2i, इस पर कैप है, लेकिन मैं सुविधा के लिए कैप नहीं बोलूँगा, ठीक है? 2i माइनस 7j माइनस 3k का मापांक निकाले, ठीक है? क्या निकालना है? मापांक निकालना है। हो जाएगा सदिश 2i माइनस 7j माइनस 3k का मापांक निकाले, ठीक है? मापांक को मॉडुलस भी कहते हैं। यह प्रश्न 2011 में बिहार बोर्ड में पूछा गया था। चलिए, इसको निकालने के सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं, माना कि वेक्टर a बराबर 2i माइनस 7j माइनस 3k, ठीक है? सब पर कैप लगा हुआ है, लेकिन सुविधा के लिए मैं कैप नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो माना कि a बराबर 2i माइनस 7j माइनस 3k, ठीक है? इसका मापांक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मापांक का साइन होता है, हम दे दिए। चलिए, यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 है तो माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है? सबका रूट ओवर किया गया, 2 × 2 = 4, 7 × 7 = 49 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। आप इसको जोड़ लीजिए, 9 × 9 = 18, 18 × 4 = 22 का 2 हासिल हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा 62, ठीक है? यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। या ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो यह हो गया मापांक पर आधारित। क्या हो गया? मापांक पर आधारित, जो मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था। यह निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है? निश्चित रूप से। चलिए, जो लोग मेरा वीडियो नहीं देखे थे उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर इस फॉर्म में हो, वेक्टर yj प्लस zk, ठीक है, तो इसके मापांक के लिए फॉर्मूला हो जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है? यह मापांक के लिए फॉर्मूला हो गया, यह हो गया मापांक के लिए फॉर्मूला हो जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, 2 सदिश हो या 2 से अधिक सदिश हो, उसका अगर योगफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ध्यान दें। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सदिश क्या दिया हुआ है, सदिश i माइनस 2j प्लस k, ठीक है, कॉमा i माइनस 6j माइनस 7k, और क्या दिया हुआ है, और के बाद है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है? इतना का क्या करना है, योगफल निकालें, योगफल निकालें। चलिए, तथा योगफल का मापांक निकाल लें, ठीक है, निकाल लें। चलिए, इसका मापांक निकालना है, हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप मान भी सकते हैं, वेक्टर ए बराबर इतना मान लीजिए, बी बराबर इतना मान लीजिए, सी बराबर इतना मान लीजिए, ठीक है। तब हल करते हैं तो लिखते हैं माना कि, या विधिवत बना रहे हैं, माना कि वेक्टर ए बराबर आई माइनस टू जे प्लस के, वेक्टर बी बराबर आपका हो जाएगा कितना, आई माइनस सिक्स जे माइनस सिक्स सॉरी सेवन के है, सेवन के, ठीक है। वेक्टर सी बराबर हो जाएगा माइनस टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के। इसको जोड़ना है तो लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, देखिए आई आई टू आई, और टू आई में से क्या हो जाएगा, टू आई घट जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है, तो कितना हो जाएगा जीरो आई, कितना हो जाएगा जीरो आई। अब देखिए जे को जे के साथ जोड़िए, कितना हो जाएगा दो और छः कितना होगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, छः दो आठ हो जाएगा, आठ में माइनस आठ हो गया, माइनस आठ में चार जुड़ गया, कितना हो जाएगा माइनस चार जे हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा माइनस चार जे हो जाएगा। अब देखिए अब हो जाएगा पाँच के या एक के छः के में से सात के घट जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा के हो जाएगा। अब देखिए एक तो आंसर आपका यह हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, इसको इतना भी लिखा जा सकता है, आई आई वाले तो टर्म को लिखना ही नहीं क्योंकि जीरो है, फोर जे माइनस के आपका आंसर यह हो जाएगा, ठीक है। आपको यह लिखना है, यह लिखिए, यह लिखना है, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा यही लिखना होगा। अब चलिए इसका मापांक निकालना है। अब क्या करना है, प्रश्न कह रहा है सदिश इतना इतना और इतना का योगफल निकाले। देखिए उसका तथा योगफल का मापांक निकलता, तो मेरा योगफल यह आया तो इसका क्या करना है, मापांक निकालना है, क्या निकालना है, मापांक निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्या करेंगे, मापांक निकालेंगे। अब यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जीरो है तो आप फार्मूला यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ले सकते हैं जीरो का स्क्वायर, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, माइनस चार का स्क्वायर हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा माइनस वन छुपा हुआ है, माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा आपका, हो जाएगा चार चौके सोलह हो जाएगा, इधर जीरो है तो हट जाएगा, प्लस वन कितना हो गया सत्रह हो गया, रूट अंडर सत्रह, रूट अंडर सत्रह इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर यही हो गया। इस टाइप के प्रश्न क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसके आगे मैं विचार करता हूँ, नेक्स्ट किस टाइप के प्रश्न आएंगे या आ सकते हैं, ठीक है। इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ। आप इस चैनल बन रही है, ठीक है। एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे, एग्जाम बहुत ही अच्छे अंक आएंगे, जिस टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे वैसे प्रश्नों पे मैं चर्चा बारी बारी से करूँगा, ठीक है। वैसे वैसे प्रश्नों पे मैं बारी बारी से चर्चा करूँगा, निश्चित रूप से अच्छे अंक आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल में बने रहेंगे तो अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते क्या है, एक प्रश्न मैं दे दे रहा हूँ आपको, आप इसको हल कर लेना, ठीक है। प्रश्न आपका होगा, इसको आप खुद हल कर लीजिएगा। प्रश्न आपका हो जाएगा, यदि वेक्टर ए बराबर सेवन आई प्लस टू जे, ठीक है, माइनस थ्री के। आपका वेक्टर बी बराबर हो जाएगा माइनस आठ आई माइनस थ्री जे प्लस के। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस पर कैप लगा हुआ है, लेकिन सुविधा ख्याल से मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर सी बराबर हो जाएगा टू आई, ध्यान सुनेंगे, वेक्टर सी बराबर हो जाएगा टू आई माइनस के, ठीक है। क्या है के, तो क्या करना है, ए माइनस बी प्लस टू सी का मान निकालना है, का मान निकाले, ठीक है, निकाले एवं इसका मापांक भी निकालना आता है। मापांक का साइन आप जानते हैं, वेक्टर छूट गया, वेक्टर मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। मापांक का साइन जानते हैं, यह होता है कितना होता है मापांक का साइन, ऐसा होता है, ठीक है। यह भी ज्ञात करना, वाटर दे दे रहा हूँ मतलब इसको ज्ञात करना है। चलिए इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इसको सॉल्व जो करना है, पहले ए के जगह ए का वैल्यू रख देना है, माइनस का साइन देना है, फिर बी के जगह बी का वैल्यू रख देना है, फिर प्लस का साइन देना है, और सी में कितना से गुणा करना है, टू से गुणा कर लेना है, जो आएगा आपको माइनस प्लस करके वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो आएगा उसी का मापांक निकालना है, मापांक का मैंने फॉर्मूला लिखा था, उसे आप देख लोगे, ठीक है। यह प्रश्न आप बना लोगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसको एग्जाम्पल के रूप में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद एक प्रश्न इस पर हाई दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। दे रहा है यदि बिंदु P, क्या दे रहा है, यदि
बिंदु पी, यदि बिंदु पी, चलिए इसके वैल्यू बाद में लिखते हैं, यदि बिंदु पी एवं क्यू के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश दो हो जाएगा क्रमशः, क्या हो जाएगा क्रमशः माइनस आई, माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है, तथा 7i माइनस 6k, ठीक है, हो तो पी क्यू का मान, वेक्टर पी क्यू का मान निकाले। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, पी क्यू का मान निकाले, ए बी का मान निकाले, बी सी का मान निकाले, डी ए का, कुछों का मान निकालना हो तो आप क्या करोगे, क्यू वाले में से पी वाले को घटा लोगे। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व कर रहे हैं, हम पहले लिख देते हैं पी का स्थिति सदिश, पी का स्थिति सदिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दे रहा है माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k, क्यू का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा 7i माइनस 6k। ठीक है, इसलिए हमें वेक्टर पी क्यू निकालना है, आप पहले क्यू वाले को लिख लो, क्या हो जाएगा 7i माइनस 6k, ठीक है, माइनस कितना हो पी वाले, माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k, आप देख पा रहे हो। ठीक है, पहले ब्रैकेट हट देते हैं, 7i माइनस 6k, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2j हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3k हो जाएगा। अब देखिए 7i आई कितना होगा 8i, अब देखिए j वाले कहीं नहीं, सिर्फ एक ही है तो माइनस 2j, देखिए अब 3 में से 6 घट जाएगा माइनस 3k हो जाएगा, देखिए आपका स्थिति सदिश क्या होगा, पी क्यू का वैल्यू हो गया, कितना आसान तरीका है। ठीक है, आप त्रिभुज बना के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, यह बहुत आसान है। अब देखिए अगर मान लें कि बी सी वेक्टर, बी सी निकालना हो, सी और बी का दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करें, सी में से बी को घटा देंगे। अगर पी आर निकालना हो, पी और आर दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों का स्थिति सदिश, तो आर वाले में से क्या करेंगे, पी वाले को घटा देंगे, मतलब कि बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, यह सबसे आसान तरीका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, जिसके बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान दोगे एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, आप देख कर बना सकते हो, सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k, के अनुदिश मापांक 8 वाला, मापांक कितना 8 वाला सदिश ज्ञात करें या कीजिए। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न अनेकों साल बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए क्या दे रहा है, सदिश 5i माइनस जे प्लस के क्या 2k के अनुदिश मापांक 8 वाला सदिश ज्ञात करें। देखिए एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन यह अंक चेंज हो सकता है, मापांक 8 है तो यहाँ 6 दे सकता है, 15 दे सकता है, 12 दे सकता है, कोई भी अंक दे सकता है, लेकिन सेम इसी टाइप के प्रश्न होंगे। अगर आप इसको समझ जाते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला पे आप बैठाना सीख जाते हैं, तो इजी वे में आप क्या कीजिएगा, ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो दिए गए हैं उसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि वेक्टर ए बराबर 5i माइनस जे प्लस 2k। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैप यहाँ दिया गया है, लेकिन सुविधा ख्याल से मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सॉरी नहीं बोल पा रहा हूँ, सुविधा ख्याल, ताकि आपको क्या हो, समझने में सुविधा हो, मुझे बोलने में सुविधा हो। ठीक है, माना कि वेक्टर इतना हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले इसका इकाई वेक्टर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इकाई वेक्टर, इकाई वेक्टर निकालने के लिए इसका मापांक निकालना पड़ेगा। मापांक निकालने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, या 5 का स्क्वायर कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 छुपा हुआ है इस जगह, तो माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं
पाँच को दो का गुना करें 25 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस कितना 2 दुना 4 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, 25 एक 26 4 30 हो जाएगा। इसका रूट अंडर कर दिए, ठीक है। ये आपका होगा इकाई सदिश, निकाल लेते हैं इकाई सदिश को हम कैप ए द्वारा सूचित करते हैं, तो आपका हो जाए मापांक, सॉरी वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का क्या हो जाए मापांक, वेक्टर ए का वैल्यू हम देख पा रहे हैं कितना है, 5i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, और मापांक आ गया रूट अंडर 30 हो गया। चलिए यह हो गया इकाई सदिश, लेकिन हमें अभीष्ट सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अभीष्ट सदिश। तभी सदिश बराबर हो जाएगा 8 गुने क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मापांक, अर्थात 8 या जो लिखा हुआ है उसे गुना कर देते हैं, 5i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, बटे में है रूट अंडर 30। इसे गुना कर लीजिए, अलग अलग कर भी सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 8 × 5 = 40 बटे रूट 30 हो जाएगा, आई है, ठीक है, माइनस 8 / √30 जे हो जाएगा, प्लस 8 × 16 / √30 के हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न में मैं विचार कर लेता हूँ, द्विकोज्या निकालने के लिए, अर्थात कोसाइंस निकालने के लिए, कोसाइन निकालने के लिए। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, ठीक है, और मुझे बताएं, और इस वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बिहार बोर्ड में अच्छे अंक लाना हो तो मेरे चैनल पर बने रहें, और जिस चैप्टर की आपको आवश्यकता है कमेंट में जरूर लिखें। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सदिश आपका हो जाए सदिश 3i − 4j + 12k, ठीक है, कि द्विकोज्या निकालना, कि द्विकोज्या निकाले या ज्ञात करें, चलिए आप समझ जाइएगा, निकाले या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसका मापांक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मापांक निकालते हैं, ठीक है, माना कि सॉल्व करते हैं ऐसे, माना कि वेक्टर ए बराबर 3i − 4j + 12k, ठीक है, इसका मापांक निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 3 × − 4 + 12 ², ठीक है, या रूट के अंदर होगा सब, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, 12 × 144 होता है, ठीक है, जोड़िए 4 × 6 = 10 × 9 = 9 हासिल 1 × 4 = 5 × 5 = 6 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169, 169 कितने का वर्गमूल होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका हम निकाल लेंगे द्विकोज्या, क्या निकालेंगे द्विकोज्या, तो लिख देंगे अभीष्ट द्विकोज्या कोज्या बराबर होता है x/√a का मापांक कॉमा y/√a, चाहे हम ऐसा भी लिख सकते रूट ए ना लिखकर मापांक लिखेंगे बेटर रहेगा, या मिसिंग हो रहा था, ठीक है, या हो जाएगा z/a का मापांक, ठीक है, x का मान आप देखिए, x का मान होता है 3/13 कॉमा y का मान देखिए माइनस 4 देख पा रहे हैं, माइनस 4/13 और जेड का मान 12 देख पा रहे हैं, 12/13 यही आपका हो गया। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और आप इस चैनल पर बने रहें,
अच्छे अच्छे वीडियो लेकर, अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।